हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास m इक्वल टू 5 यूनिट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट इन द एक्स वाई प्लेन अलोंग द लाइन y इक्वल टू x प्लस 4। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज। सो बच्चों, गिवन है हमें एक पार्टिकल जिसका मास है 5 यूनिट और ये एक यूनिफॉर्म स्पीड v जिसकी वैल्यू गिवन है 3√2 यूनिट इससे मूव करता है एक्स वाई प्लेन में। तो डायग्राम बना लेते हैं। लेट दिस बी द एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर वाई एक्सिस और ये पॉइंट है हमारे पास ओरिजिन। अब जब बच्चों हम लोग y इक्वल टू एक्स प्लस 4 लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे कुछ इस तरह के चार्ट की जिसमें हम x एंड y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जब हम x को पुट करेंगे 0 तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 4 और जब हम y को पुट करेंगे 0 तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -4। तो हमें इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स कौन से लेने हैं? द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0, -4। तो 0, 4। तो 0, 4 मीन्स कौन सा पॉइंट आएगा? x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 4। इट मीन्स यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा, दिस इज 0, 4 और सेकेंड पॉइंट आएगा x की वैल्यू -4 एंड y की वैल्यू 0, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो मिल जाएगी हमें एक स्ट्रेट लाइन जो कि है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब जो यहाँ से जा रहा है ये पार्टिकल वेलोसिटी v से, अब हमें फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। तो ओरिजिन से हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हम चेक कर सकते हैं दैट दिस वैल्यू इज 4। अब ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री एंड स्लोप है जो हमें इस लाइन का एंगल मिल रहा है, इस तरह से हम देखेंगे ये जो एंगल मिल रहा है हमें वो 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ओ ए बी। तो इसमें हमें फाइंड करनी है ओ ए यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू जो कि हमारे पास ओ ए। तो हम ट्राइंगल ओ ए बी में कंसीडर कर लेंगे साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू आएगा द अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस जो कि ओ बी है। तो ओ ए इक्वल्स टू मिल जाएगा ओ बी मल्टीप्लाइड बाय साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और ओ बी की वैल्यू है 4, सो दिस इज 4/√2। तो बच्चों ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2√2 यूनिट। अब एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड बाय स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो मास है 5, वेलोसिटी गिवन है 3√2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ ए की वैल्यू आई है 2√2। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 2, तो हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा इसका 60 यूनिट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।